into her eyes, I see paradise. Look at. Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Teso Vlogs. So, आज हम लोग जा रहे हैं असम के एक वन ऑफ द सीक्रेट मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, जहाँ पे हम लोग जाएंगे मज़े करेंगे, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन का टाइम है, सारा देश बंद है, तो जाने के लिए कहीं जगह नहीं है, तो अभी सॉरी सर, चलिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, लोकेशन भी बहुत ही बढ़िया है, और मेरे साथ है मिस्टर बुरुआ, और ये देखिए कैसा खतरा डेंजर जगह है, डेंजर डोलोंग इसको बोलते हैं आसामीज में डोलोंग, ठीक है। और हमारे साथ है ये मिस्टर बोरा, तो से हाय टू माय पब्लिक। हेलो गाइस। ओके, और एक है ये मिस्टर बोरुआ, नाम बता दो। ओके, और बाकी लोकेशन देखिए, ये है आसाम का जेवड़ा। ये देखिए ये पत्ता वाला घर, ये सब सिर्फ आसाम में देखने को मिलेगा आपको। रहा था हम लोग, लेकिन रास्ते में ये हो गया, यहाँ पे आप लोग जितना सारा ये जमीन देख रहे हो, ये इस भाई का है, देखो इसका ओनर है ये पीछे आ गया जेवड़ा, और देखो कितना ऑफ रोडिंग है गाइस, और अभी ड्राइविंग में कर रहा हूँ, आई एम द ड्राइवर। Look at the view, guys. देखो पूरा हम लोग कहाँ पे आ गया है। और guys हम लोग के साथ एक और friend join हुआ है। ये है Mr. Gogoi, मेरा partner है, नाम है Mr. Rohan Gogoi, right? बाकी हम लोग आ गए हैं, देखिए ऐसा place में आप लोग कभी आए हो? नहीं आए हो ना? और देखो guys ये है tree house. ये देखो देखो इसको, देखो गौर से देखो इन चेहरे को, ये आपका कल परसों आपको टीवी पे दिखने को मिलेगा, आसाम का एक सेलिब्रिटी है। ए, भाग रहा है देखो। ओके गाइस, तो अभी हम लोग ने ये बेम्बो काट लिया है पूरा लिटरा से, अब ये खराब हो गया। ये एक बेम्बो है, इस पे हम लोग पकाएंगे मीट। सो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं, जा रहा हूँ अपना डेस्टिनेशन, जो लोकेशन है वो देखते रहिए पूरा। हम लोग अभी सामान लेके नीचे जा रहा हूँ, और ये मिस्टर बुरुआ आगे सामान लेके जा रहा है, और मैंने मास्क उतार दिया क्योंकि यहाँ पर यहाँ में कोरोना का कोई डर नहीं है। ओके सो गाइस, आर यू रेडी? तो देखिए, लुक एट द व्यू। और ये है हम लोगों का पिकनिक प्लेस, यहाँ पे हम लोग पकाएंगे अपना खाना और खाएंगे। ये जो नदी देख रहे हो आप, ये है दिहिंग नदी, और उस पार जो जंगल है वो है दिहिंग पाटकाई नेशनल पार्क, जो आप
एलिफेंट रिजर्व भी कह सकते हो। वेदर भी बहुत ही अच्छा है, ना धूप ना बारिश अभी। और यहाँ पे हम लोग खाना पकाएंगे, अभी खाना की तैयारी। मैं लाया हूँ, ये है पॉर्क है, पोटैटो, ऑनियन और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और ये मसाला। और यहाँ पे ये कुछ नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे है वाटर और ये है माउंटेन ड्यू, क्योंकि डर के आगे जीत है। और कुछ नहीं है, इतना ही सामान है। अभी देखते रहिए, दिखाता रहूँगा आप लोगों को। हम लोगों का आग भी लग गया है, पकाऊंगा यहाँ पे। तो गाइस, हम लोगों का मीट अभी रेडी हो गया, आलू भी काट लिया, प्याज भी काट लिया, ये मिर्ची भी, ये क्या मिर्ची है, ये भूत जलकिया। हेलो 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 हेलो। कुछ मीट हमने रख दिया है, ठीक है, वो जला के खाने के लिए। और अभी ये सब जाएगा इस बेम्बो में और ये बनेगा, इसका नाम है बेम्बो पॉक। ओके, तो बेम्बो पॉक कैसे बनाते हैं देखो। अभी डालेगा इसको बेम्बो में। पहले थोड़ा सा पानी, पानी हो गया। अब डालेगा ये हो गया है हम लोगों का एक। तो अभी इसको आग में जस्ट कुछ नहीं करना है और ऐसे करके ढक देना है, ठीक है। बेम्बो पूरा काला हो गया, जल गया है आधा आधा। पूरा बनने के बाद दिखाऊंगा। और ये हो रहा है स्टिक, ये है पॉक स्टिक। ओके गाइस, तो हम लोगों का पॉर्क रेडी हो गया है। तो देखिए, ये रहा हम लोगों का पॉर्क, बेम्बो पॉर्क। और अभी मैं इसको टेस्ट करूंगा। मजा। तो गाइस, सब लोगों का पॉर्क ये हो गया बेम्बो, की बोलते हैं बेम्बो पॉर्क। और ये है पॉर्क स्टिक। सो और साथ में है ये हो गया माउंटेन ड्यू और ये हो गया लोकल राइस बियर। दूध नहीं है, दिस इज नॉट मिल्क गाइस, दिस इज राइस बियर। और है ऑर्डिनरी बियर भी है, इंडियन बियर, ह्यूमन 9000। ओके, तो गाइस अभी हमको, हम लोगों को खाने का है, खाऊंगा मैं थोड़ा सा राइस बियर टेस्ट करूंगा, ज़्यादा नहीं। ये मेरे लिए है क्या? मैं और तुम सिर्फ राइस बियर पियेंगे मतलब? ओके, सीएस सीएस गाहरी टेस्ट कैसा है पॉर्क? सुअर, ये देखो सुअर खाते खाने वाला लोग, ये देखो सारे के सारे सुअर खाने वाला लोग, देखो देखो देखो।
ओके गाइस, तो ये हो गया हम लोगों का राइस और पोर्क, बेम्बो पोर्क, ये हो गया नमक, ये हो गया मिर्ची, और ये सारा का सारा बैठ गया है खाने के लिए। ये लोग तो खाना स्टार्ट हो गया, इन लोगों का शुरू हो गया। ओके, तो खाना शुरू करते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों को। ओके, तो गाइस, सो गाइस, हम लोगों का खाना बाना हो गया, अब घर जाने का टाइम आ गया है। सो ये था लोकेशन दिहिंग रिवर के सामने, दिहिंग पार्क नेशनल पार्क है, उसके सामने हम लोग रेन फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, तो उसके सामने एक सीक्रेट प्लेस, ठीक है। तो देखो देखो बहुत ही मज़ा आया, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना, कैसा लगा। और ये अनप्लान ये नेचुरल ब्यूटी, देखो गाइस, लुक एट द व्यू। तो अभी वीडियो एंड करते हैं, खत्म करते हैं, घर जाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक चैनल में नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, ओके, और बेल आइकन भी साथ में दबा देना, ताकि आने वाला मेरा 2 साल के बाद जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचे, ठीक है ना। ओके, तो बाय बाय।